माशाल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहां मौजूद है मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, क्या आप पे किसी ने जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है और पैगंबर है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जलाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम है मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस नाचीज के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुबहाना व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। माइक नंबर 3 के अंदर खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है, मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है हिंदू है सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे। उसमें एक खास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स हैं, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुँच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर एक मिनट, आई वांट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया, आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज में ये माना जाता है कि कोई और था, ठीक है। आप लोगों से आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफी हैं। मैं पुणे में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स है। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम ए फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली बट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पुणे में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे हिंदू बच्चे क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते, बिल्कुल अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है,
ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुभाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाल्लाह कई लोग माशाल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप हमें ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाल्लाह है जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है। क्योंकि साउथ अमेरिका में अंग्रेजी बहुत कम लोग बात करते हैं, क्यों हम कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा इरादा है कि एक पीस नेटवर्क हो, और उस पीस नेटवर्क में एक चैनल पीस न्यूज भी हो। मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें एक ऐसा चैनल हो जो सही न्यूज दे। अक्सर चैनल, न्यूज चैनल, दे आर गवर्न्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो न्यूज चैनल की आमदनी है, दे बिहेव लाइक ग्रुप्स सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कोई भी चैनल हो, उनकी जो आमदनी है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, दे आर प्रेशर ग्रुप्स। और मैं जानता हूं, जैसे मैं तकरीर में कहा था, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुनाऊंगा। और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के। और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है, न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा दे सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 वर्स 81 में, वकुल जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप दान से।